पतंजलि संस्थान में काम करने वाली महिलाओं ने लोगों को निशुल्क आयुर्वेदिक पौधे वितरित किए। महिलाओं ने इस दौरान लोगों को आयुर्वेदिक पौधों से होने वाले लाभ और बीमारी में कैसे इनका उपयोग किया जा सकता है, इस बारे में जानकारी दी। उत्तराखंड के काशीपुर में महाराणा प्रताप चौराहे पर सैकड़ों पतंजलि संस्थान की महिलाओं ने लोगों को बीमारी में काम आने वाले निशुल्क आयुर्वेदिक पौधे वितरित किए। पौधों से क्या क्या उपचार हो सकते हैं, इस बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर नगर निगम की महापौर उषा चौधरी ने भी पतंजलि संस्था की महिलाओं के साथ पौधों से होने वाले उपचार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लाखों की संख्या में लोग आज देश भर में पतंजलि से निर्मित देशी दवाओं से अपना इलाज करवा रहे हैं। संस्था की समाज सेविका कमला रिखाड़ी ने भी आयुर्वेदिक पौधों के बारे में जानकारी दी। मुख्य चौराहे पर हमारे जो बहनों की ओर से निःशुल्क औषधि वितरण हो रहा है और इस औषधि वितरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि स्वस्थ काया, निरोगी काया और वो किस तरह इन जड़ी बूटियों से जो अपने घरों में ही है लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते, अपने घरों में लगाकर हम उसकी क्या क्या इसको खाकर हम फायदा उठा सकते हैं, हम स्वस्थ हो सकते हैं, इसी से यहाँ एक निशुल्क यहाँ पर पौधों का वितरण किया जा रहा है। और ये वितरण जो किया जा रहा है निसंदेह जिसके भी घर में जाएगा वो इसकी उपयोगिता को समझेगा और उपयोगिता को समझकर इसको प्रयोग भी करेगा, अपने जीवन में उसको लाएगा, उसकी पत्तियों को जिस तरीके से उसको खाना है उस तरह से खाएगा तो कहीं ना कहीं निश्चित ही निरोगी काया उसकी अवश्य बनेगी, भले ही देर से असर करे लेकिन असर करता जरूर है ऐसा मेरा भी मानना है। आज इस देश को लेकर हमारे यहाँ सभी बहनों ने ये निःशुल्क औषधि वितरण किया। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देश के अनुसार हम पूरे बरसात में वृक्षारोपण कार्यक्रम हर घर में हर छत में 5 औषधि पौधे होने चाहिए, यह हमारा अभियान है। इसी अभियान के तहत निरंतर 10 वर्षों से हम प्रत्येक घर में निमूंडी, गेलोय, हारसिंगर, अश्वगंधा ये पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तुलसी, हर प्रकार की तुलसी। तो इसी क्रम में इस बार हमने छठी चौराहे पर ये स्टॉल लगाया है तो यहाँ पर हम लोगों को ये पौधा भी वितरित कर रहे हैं और इसके लाभों के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर रोगी आ रहे हैं और शुगर वाले अभी पौधे लेते गए, घुटनों के दर्द वाले भी पौधे लेते गए, हारसिंगार घुटनों के दर्द में उपयोगी है और ये जो गिलोई है ये शुगर के लिए उपयोगी है और हमारे पास स्टीविया एक पौधा है वो भी शुगर के लिए उपयोगी पौधा है, जैसे स्टीविया का पत्ता मीठा है तो शुगर वालों के लिए बहुत लाभकारी है। और ऐसी हमारे पास निरगुंडी है, निरगुंडी साइटिका पेन के लिए बहुत लाभकारी पौधा है और हमारे पास यहाँ पर एलोवेरा है तो एलोवेरा जो है वो पेट के समस्त रोगों के लिए लाभकारी पौधा है। हमारे पास यहाँ पर ये पीपल का हम वृक्ष एक लाए हैं जिनके पास ज़मीन है उनके लिए हमको इसको दे रहे हैं, जो बड़ी लैंड में इसको लगाएंगे। 24 घंटे पीपल का वृक्ष ऑक्सीजन देता है और पीपल का वृक्ष नक्सी में बहुत उपयोगी है और महिलाओं के अनेक रोगों में जो है ये पीपल का वृक्ष उपयोगी है। तो जितने उपयोगी वृक्ष हैं और जो आसानी से उपलब्ध हैं उन वृक्षों को हम जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और वितरित भी कर रहे हैं निःशुल्क। अभी हमने वृक्षारोपण किया मोटेश्वर मंदिर पर, इससे पहले हम स्कूलों में वृक्षारोपण कर रहे हैं और बच्चों को एक एक पौधे की जिम्मेदारी दे रहे हैं, हर पौधे को बच्चे का मित्र बना रहे हैं और इस प्रकार बच्चों में भी पर्यावरण के प्रति हम सजगता करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।